आज के इस वीडियो में हम बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि बीजांड कैसा होता है। बीजांड आप जानते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है। पुष्प में पाया जाने वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको आप कार्पेल या गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, गाइनोसियम तो ग्रुप हो जाएगा, समूह हो जाएगा कार्पेल्स का। फिलहाल जो कार्पेल होता है उसकी संरचना तो आप देखे ही होंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक आपकी हेडिंग बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बीजांड की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल हिंदी में क्या लिखेंगे? बीजांड, बीजांड की संरचना। सबसे पहले तो हम ये देखें कि बीजांड पाया कहाँ पर जाता है। तो बीजांड जो होता है ये मादा जनन अंग, जिसको कार्पेल या अंडप के नाम से जानते हैं, इसमें उपस्थित होता है। और जो मादा जनन अंग होता है, इसकी एक संरचना आपको हम बना करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर इसको पहले भी शायद बता चुके हैं हम आपको। सबसे ऊपर की तरफ ये क्या है? स्टिग्मा है। इसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। उसके बाद आपका स्टाइल है, इसको वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका कहते हैं। और नीचे की तरफ जो है वो ओवरी है, इसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। और इसी अंडाशय में आपका बीजांड या ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। और ये जो ओव्यूल होता है, इसकी संरचना ऐसी नहीं होती है। अभी इसको हम बाहर निकाल करके दिखाएंगे, तब आपको दिखेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम आपको केवल एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसी में आपका ओव्यूल या बीजांड जो होता है वो उपस्थित होता है। ओव्यूल, इसको हिंदी में बीजांड कहेंगे। और ये क्या करता है, मान लीजिए ये ओवरी वाल है किनारे पर, तो जो किनारे पर ओवरी वाल है, इस ओवरी वाल से ये अटैच होता है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा जिसको हिंदी में बीजांडासन कहते हैं। तो बीजांडासन या प्लेसेंटा के द्वारा ये जुड़ा होता है। ये सारी चीज़ें तो अभी आप इसमें जान लिए हैं। अब चलिए हम एक जो है बीजांड की संरचना बनाते हैं, जो यहाँ पर ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, और इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। पहले एक फिगर हो जाए जिससे आपको हमें बताना है, और फिर उसके बारे में यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं दो लेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो लेयर हो गए, और यहाँ इस साइड में भी दो लेयर बन गए हैं, और बीच में से एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर आया है। इस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर को हम चाहे तो इसे सिंगल दिखा सकते हैं, इसको और मोटा कर सकते हैं। फिलहाल आपको समझने की ज़रूरत है, आप चाहे जैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये नीचे वाला पार्ट जो इतना पार्ट है मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ये नीचे वाला इतना पार्ट जो है इसको फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल। हिंदी में इसको कहेंगे बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, या बीजांड का वह भाग है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। बीजांड वृंत, बीजांड का वह भाग है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, बीजांडासन से जुड़ा होता है। और बीजांडासन अभी हमने आपको बताया कि ये ओवरी वाल में पाई जाएगी, ओवरी वाल में या अंडाशय की भित्ति में पाए जाने वाले बीजांडासन के साथ बीजांड वृंत जुड़ा होता है। ये नीचे वाला भाग जो है इतना सा भाग, इसको बीजांड वृंत का नाम देते हैं। और उसके बाद इसके मध्य में आप देख रहे हैं एक छड़ जैसी संरचना उपस्थित है। ये छड़ जैसी संरचना जो होती है इसको वैस्कुलर बंडल कहते हैं, वैस्कुलर, वैस्कुलर बंडल, हिंदी में संवहन बंडल। अब संवहन बंडल तो आप जानते ही होंगे, ये संवहन बंडल करती क्या है? संवहन बंडल के माध्यम से जल और भोज्य पदार्थों या पोषक पदार्थों का संवहन होता है। तो इस तरह से ये इसके बारे में हो गया। और आप देख रहे हैं कि एक स्थान ऐसा है जहाँ पर बीजांड मुड़े हुए हैं। यहाँ ये देखिए,
ये बीजांड वृंत यहाँ से क्या है, मुड़ गया है, झुक गया है नीचे की ओर, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं झुक गया है यहाँ से। तो इसको यहाँ पर कहते क्या है, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं इस स्थान को जहाँ से ये मुड़ा होता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि बीजांड में दो लेयर पाए जाते हैं, दो भित्तियाँ होती हैं, इसको हिंदी में अध्यावरण कहते हैं। तो जो बीजांड में दो अध्यावरण होते हैं वो ये है, बाहर की तरफ आउटर आउटर इंटेगुमेंट इसको हिंदी में कहेंगे बाह्य अध्यावरण, और दूसरा जो है वो इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। दो अध्यावरण पाए जाते हैं, दो स्तर पाए जाते हैं, बाहर की तरफ के अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण, अंतर की तरफ के अध्यावरण को आंतरिक अध्यावरण, या आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के नाम से जाना जाता है। ये अध्यावरण या ये इंटेगुमेंट के लेयर जहाँ से इनकी ओरिजिन होती है उस स्थान को यहाँ पर चैलजा के नाम से जानते हैं। तो ओरिजिन यहाँ कहाँ कहाँ से हो रही है? इस वाले भाग से, इस वाले स्थान से इसकी ओरिजिन हो रही है। तो जहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है उसको चैलजा चैलजा का नाम देते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता दें कि बीजांड के मध्य में एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है, और उस रिक्त स्थान को इम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। तो एक यहाँ पर रिक्त स्थान हम बना दें, इसी रिक्त स्थान को हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, इम्ब्रियो, या इसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। सैक, सैक का मतलब कोश, और कोश का मतलब रिक्त स्थान, इम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, कहने का मतलब बीच में मध्य में एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसको इम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश का नाम देते हैं। और साथ ही साथ बीजांड में एक स्थान पर छिद्र, एक सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होता है। इस सूक्ष्म छिद्र को माइक्रोपाइल, माइक्रो माइक्रोपाइल, या हिंदी में इसको कहेंगे बीजांड द्वार, बीजांड द्वार उपस्थित होता है। जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है और मेल गैमेटोफाइट से पॉलन ट्यूब निकलता है, तो वो पॉलन ट्यूब अपने साथ दो मेल गैमेट्स को लाता है, और वो पॉलन ट्यूब अगर बीजांड में प्रवेश करेगा तो इसी माइक्रोपाइल के माध्यम से ही बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, और यहाँ पर इम्ब्रियो सैक में आकर के एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है। तो इस तरह से ये माइक्रोपाइल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर कार्य करता है, इसी के माध्यम से इसमें पॉलन ट्यूब प्रवेश करता है इसके अंदर, और ये यहाँ इम्ब्रियो सैक में आता है। फिलहाल अभी यहाँ पर इम्ब्रियो सैक की संरचना को थोड़ा से यहाँ पर विस्तार से और बताया जाएगा, लेकिन अब बाकी बचे हुए स्थान को हम क्या करेंगे कि बाकी बचे हुए स्थान को यहाँ पर न्यूसलस का नाम देते हैं। न्यूसलस, इसको हिंदी में बीजांड काय कहेंगे, बीजांड काय। और न्यूसलस में जितने भी प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो सभी मृदुतक पैरेन्काइमा की होती हैं। तो और यहाँ पर हम कोशिकाओं को फिलअप कर दें इसको, जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, और ये अभी तो सारे स्तर आपको दिखा दिए गए हैं। अब स्तर में जो भी बचा है, क्योंकि यहाँ पर कोई खाली स्थान नहीं बचेगा, ये सभी कोशिकाएँ हैं, चाहे वो आउटर इंटेगुमेंट के लेयर में पाई जाने वाली सेल्स हों, चाहे वो इनर इंटेगुमेंट के लेयर में पाए जाने वाले सेल्स हों, तो सभी को हम यहाँ पर सेल्स से बना करके कवर कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर सेल बना दे रहे हैं, तो इंटेगुमेंट का लेयर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये जानिए कि अगर आप डिफरेंट कलर के पेन से इसको बनाते हैं, जैसे इंटेगुमेंट के लेयर को आप दूसरे कलर से बनाइए, और उसके बाद फिर इसमें जो सेल्स हैं जो हम भर रहे हैं इस सेल को आप अलग से बनाइए, तो आपको यहाँ पर ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा। अलग अलग कलर के यहाँ पर पेन के उपयोग से आप इसके जितने भी लेयर्स हैं उनको अलग अलग बना सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक ही मार्कर है, तो मैं एक ही मार्कर से इसमें सेल से इसको भर दे रहा हूँ, ताकि कैसे भरना है और कैसे बनाना है आप ये जानते रहें। 1 मिनट का समय लेंगे हम, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें और बची हैं उसको बता करके इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया है। ये देखिए, ये तो सेल्स हैं, आप जानते ही हैं ये सेल्स हैं, आपकी बुक में अच्छे से फिगर बनाया गया है, आप चाहे तो बुक का सहारा भी ले सकते हैं।
कुल मिलाकर के फिगर आपका गड़बड़ ना बने, फिगर में सारी चीज़ें क्लियर कट दिखनी चाहिए। और अब यहाँ पर हम जो छूटा है रिक्त स्थान, जिसको यहाँ पर इंद्रिय सहायक का नाम देते हैं, इस इंद्रिय सहायक पर चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसमें कुछ संरचनाएँ ऐसी पाई जाती हैं, इसको ये संरचनाएँ जो होती हैं इसको थोड़ा सा हम बाहर बना करके इस संरचना को भी यहाँ पर हम इसका नाम देना चाहेंगे, इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले नाम देने के लिए हमें इसको फेस करना पड़ेगा, इसको मिटा दें, उसके बाद तब हम उसके बारे में चलें बताएं। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है, मतलब बीजाणु मात्र कोशिका जो है उसमें जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियस में कोई एक सेल विकसित होकर के स्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। तो अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, बड़े स्तर पर इसके फिगर को हम यहाँ बना रहे हैं। और आप देखिए ऐसे ही था उसमें यहाँ पर, और इसमें ऊपर की तरफ तीन सेल्स पाए जा रहे थे और नीचे की तरफ भी जो है वो तीन सेल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस होता है और यहाँ बीच में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियस है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने सेल हो गए आप देख रहे हैं, तीन ऊपर हैं और तीन नीचे हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा वाला सेल जिसके अंदर ये पूरा सेल विद्यमान है। तो इस तरह से सेवन सेल हो गए, तीन ऊपर तीन नीचे और एक बड़ा वाला सेल। कुल मिलाकर के ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कैसा है, सेवन सेल स्ट्रक्चर है। उसमें न्यूक्लियस कितने हैं, तीन ऊपर हैं तीन नीचे हैं और दो बीच में हैं। तो इसका मतलब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको हिंदी में मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। ये जो मादा युग्मकोद्भिद है ये कैसा है, सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये हमेशा पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे, सात कोश की तथा आठ केंद्र की संरचना है मादा युग्मकोद्भिद। और इसमें ऊपर की तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल, इसको हिंदी में प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। नीचे की तरफ के जो दो सेल हैं इनको हम क्या कहेंगे, सिनर्जिड सेल इनको हिंदी में सहायक कोशिका कहते हैं। और उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ एक जो है इसको एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका। यही वो फीमेल गैमीट है, यही वो कोशिका है जिससे निषेचन की प्रक्रिया होती है और जायगोट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो बीच में उपस्थित है ये न्यूक्लियस है और दो की संख्या में है, इसलिए इसको सेंट्रल न्यूक्लियाई या इसको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इसको हिंदी में ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और बीच में जो रिक्त स्थान है ये तो आप जानते ही हैं, सैक है। तो इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हो गया, और इसी में एक सेल आपका प्रेजेंट होता है और इसे निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जायगोट बनता है। तो आज के वीडियो में हमने बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो वहाँ पर कैसे एक सेल का फॉर्मेशन होता है स्पोर मदर सेल से, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक की वीडियो में अभी इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।